Hello students, in this video we used to discuss some words on a regular basis from the Hindi newspaper so that the students who don't have an access of the Hindi newspaper or who don't have any time or cannot buy the Hindi newspaper, they can surely watch this video on a regular basis and can improve their vocab section on a daily basis. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is plausible. It means seeming reasonable or probable. जैसे मीन्स आप जो बोल रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहे हो और सामने वाले को समझ में भी आ रहा है, जस्टिफाइड है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन इट वॉज, मीन्स जो एक्सप्लेनेशन उसने दिया, मीन्स जो व्याख्या किया वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, मीन्स समझने वाला था. Synonyms हैं credible, reasonable, believable, likely. Antonyms हैं unlikely, improbable. Next word is inculcate. It means instill by persistent instruction. Means आप ऐसा, means आप अपना idea और instruction उसके अंदर लाना. जैसे अगर मैं अच्छी हूँ, अगर मैं, या फिर आप अच्छे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके अंदर वो चीज़ किसी ने डाली है, आपको बचपन से परवरिश दी होगी कि हाँ आप अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, तो वो हमारे अंदर है. तो वो हैबिट और एटीट्यूड जो हमारा है, वो मीन्स जो इंस्ट्रक्शन से, जो सामने वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो हमेशा लगातार दे रहा था कि हमारे अंदर को जा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई ट्राई टू इनकल्केट इन माई प्यूपल्स एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनमें जो एटीट्यूड है इंक्वायरी के लिए, मीन्स किसी भी पॉजिटिव चीज़ को सोचने के लिए, वो अंदर से आए. सिनोनिम्स हैं इन्फ्यूज, इम्प्रेस, इम्प्रिंट, इंट्रोड्यूस. एंटोनिम्स हैं एलिमिनेट, रिमूव, टेक अवे. नेक्स्ट वर्ड इज एम्पिरिकल. इट मीन्स बेस्ड ऑन, कंसर्न्ड विथ और वेरीफाइबल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर दैन थ्योरी और प्योर लॉजिक. मीन्स आप जो बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल बात है, मीन्स प्रूफ कर सकते हो आप उसको, ये जस्ट एक थ्योरी या फिर बस आपका लॉजिक नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल दे प्रोवाइडेड कंसिडरेबल एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट देयर आर्ग्यूमेंट. उन लोगों ने अपना आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकल प्रूफ दिया, बस थ्योरी नहीं दिया. सिनोनिम्स हैं ऑब्जर्व्ड, सीन, फैक्चुअल, एक्चुअल. एंटोनिम है थ्योरेटिकल. नेक्स्ट वर्ड इज डेनिग्रेट. इट मीन्स क्रिटिसाइज अनफेयरली, डिस्पैरेज, टू से दैट समवन और समथिंग इज नॉट गुड और इम्पॉर्टेंट. आप किसी को बोलते हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई तुम्हारा अब जरूरत नहीं है, या फिर इस चीज़ की जरूरत नहीं है अब ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुडंट डेनिग्रेट पीपल जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट बिलीव्स फ्रॉम यू. आप लोगों को गलत नहीं बोल सकते कि आप वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, जस्ट इसलिए कि वो आपके, आपका जो सोच है उसमें वो सहमत नहीं है. सिनोनिम है डिस्पैरेज, बिलिटल, डिमिनिश, डेप्रिकेट. एंटोनिम है एक्सटॉल. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वेनेंट. इट मीन्स एन एग्रीमेंट, एग्री बाय लीज, डिड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स किसी चीज पे एग्री करना, लेकिन वो भी लीगली. फॉर एग्ज़ाम्पल there was a covenant between them that her name was never to be mentioned. उन लोगों के बीच में legally bond हुआ, agree किया उन लोगों ने कि वो उस लड़की का नाम नहीं लेंगे, कभी भी उसका mention नहीं करेंगे. Synonyms हैं accord, deal, bargain, settlement. Antonyms are disagreement, denial, misunderstanding, refusal. So that's it for today. So we'll be back with some more words in my next video. So till then, goodbye and thank you, and please subscribe to my channel and do like this video. Thank you.